फ्रेंड्स वेलकम टू गेट एकेडमी तो चलिए आज का इस कॉमेट सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कंकरेंस चाहूंगा रिगार्डिंग दी क्वालिटी ऑफ वीडियो एज वेल एज ऑडियो अगर परफेक्ट है तो परफेक्ट करके थोड़ा सा कमेंट कर देंगे ओवर दी लाइव चैट सो एटलीस्ट आई हैव फेयर है कि यहां से प्रॉपरली ऑडियो और वीडियो ट्रांसमिट हो रहा है नहीं गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एजेंडा इज वेरी प्रिसाइस एंड क्लियर आप डिजिटल बोर्ड में भी देख सकते हैं थमनेल में भी देख सकते हैं वी आर गोइंग टू प्ले द फोर्थ कॉम्बेट ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्री फॉर द इलेक्ट्रिकल एज वेल एज इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल में गेट में ये सब्जेक्ट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स और सिमिलरली इंस्ट्रूमेंटेशन में इस सब्जेक्ट का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बट एज सच इनके सिलेबस में कोई भी डिफरेंस नहीं है कोई भी डिफरेंस नहीं है यस yes? और मैं आप सब लोगों को यह बोलूंगा कि फटाफट ये लिंक जो है आप ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन होने जा रहा है तो आप ये मान के चलो चार से पांच अलग अलग सालों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक से मैंने उसको एक क्वेश्चन में ही समाहित करने की कोशिश की है सच आर इंपॉर्टेंट कॉम्बेट टूडे वी आर गोइंग टू प्ले ये बात अलग है कि आप यहां से मार्क्स लेके जा पा रहे हैं या नहीं लेके जा पा रहे हैं लेकिन जो कंसेप्ट लेके जाएंगे डेफिनेटली मुझे लगता है इलेक्ट्रिकल या

अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में तो जो प्रीवियस हमारे कॉम्बेट के विनर्स रहे थे उनको फटाफट आप लोगों के सामने प्रदर्शित कर देता हूं सो ई एम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन जो लास्ट मेरी कॉम्बेट हुई थी उसके तीन विनर्स हैं द फर्स्ट इज सोनक बैनर्जी फ्रॉम यू कोलकाता द सेकेंड वन इज हरसा फ्रॉम जे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैसूर द थर्ड वन इज शुभम वर्मा के एन सुल्तानपुर सो हार्टली हार्डली टू ऑल ऑफ थ्री और इनको हमारी तरफ ये book, जल्दे से ये गिफ्ट बुक जल्दी से जल्दी डिस्पैच कर दिया जाएगा यस लेट मी मूव अहेड सिमिलरली जो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स कल इलेक्ट्रॉनिक्स नौ बजे जो कॉम्बेट लिया था उसके भी तीन वीर हैं नाम मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं द फर्स्ट नेम इज ईशान वर्मा फ्रॉम वी आई टी वैल्यू सिमिलरली दीपांशु गोयल फ्रॉम के एन आई टी सुल्तानपुर आप लोगों को ये जो है, हमारी तरफ से जल्दी से जल्दी डिस्पैच कर दिया जाएगा एनीवेज ईशान मिश्रा को हार्टली कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने सबसे पहले पॉइंट टेबल में हंड्रेड मार्क्स अटेन किया है और इनको डेफिनेटली हमारी तरफ से एक बड़ा गिफ्ट है जल्दी से जल्दी मिलने जा रहा है एक फटाफट नजर बना अपन

चलिए तो ये अंक मैंने आप लोगों को अच्छे से शो कर दिया है लेट मी गो गोड विध रूल्स टू प्ले द कॉम्बेट जो बच्चा हमारे कॉम्बेट में रेगुलर वेज में अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो उनके लिए मुझे अलग से बताने की नीड नहीं है कि कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन वीडियो परफेक्ट चल रहा है ना ऑडियो और वीडियो परफेक्ट चल रहा है जस्ट मिनट जस्ट मिनट थोड़ा होल्ड उल... सर बीच में बफर हो रहा था अब मैं जानना चाहूंगा बफर हो रहा है क्या देयर वॉज प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा <coughs> तो यही बोलने की कोशिश कर रहा था मैं। क्योंकि आप प्रॉपरली रीड नहीं करेंगे तो आप पूरे कंसेप्ट को जानते हुए भी कुछ मिस्टेक्स लीड करेंगे जो अवॉइड करना है एंसर लाइक चैट तो थोड़ा सा यह भी ध्यान देना कई बच्चे जो है हड़बड़ी में आंसर जो है वो लाइव चैट में कमेंट करने लगते हैं जो यूट्यूब का लाइव चैट है ध्यान देना वहां आपने जो भी आंसर दिया है वो काउंटेबल नहीं होगा तो आप लोगों को प्रॉपर अपना आंसर जो है ए बी सी डी अगर एमएसक्यू एमसी क्यू के फॉर्म का है नंबर अगर एनएटी टाइप का फॉर्म का है उसको प्रॉपरली इस व्हाट्सएप नंबर में सेंड करना पड़ेगा विथ दी प्रॉपर रीजनिंग की आप वहां आंसर तक पहुंच कैसे पाए सेकेंड टाइम टू सॉल्व विल बी डिक्लेयर्ड ऑन दी स्पॉट जैसे आज की प्रॉब्लम को मैं प्रिसाइज़ली बता देता हूं जस्ट मिनट आज की प्रॉब्लम में मैंने प्रिसाइज़ली दिया हुआ है पांच मिनट प्रॉब्लम है एमएसक्यू टाइप टॉपिक में बताता नहीं था लेकिन टॉपिक आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जो बच्चा अगर कनेक्ट नहीं भी हो रहा है उनको भी आप लिंक शेयर करके कनेक्ट करो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डील कर रहा हूं आज और आज के एक अकेले प्रॉब्लम में इंडक्टर का लगभग लगभग क्राइटेरिया आप कवर कर लोगे इंडक्टर ठीक है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट द कैंडिडेट हैज टू सेंड द राइट आंसर टू द व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आप लोगों को क्लियरली यहां लिखा हुआ है और इसके साथ आप लोगों को प्रॉपरली हाईलाइट भी करना है कि आंसर क्या है कई बच्चा छुपा के दे रहा है मैं, मैंने देखा है कि जो एंसर मेरे तक आ रहे हैं वो बच्चा जानबूझ के एबीसीडी ऐसा लिख रहा है कि वो अब टीचर देख के समझे कि ए बी सही है कि बी सी सही है भाई इतना बेकूफ कोई टीचर नहीं है क्लियरली वहां मेंशन करो ए बी है तो ए बी को हाईलाइट करो बी सी है तो बी सी को हाईलाइट करो सर्टनली आई विल गेट टू नो कि आपका एंसर जो था एप्रोप्रिएट था नहीं तो हम रूल आउट करेंगे इस टाइप के अगर कोई भी एंसर भेजेगा तो उसको रूल आउट करेंगे ठीक है आंसर हैज टू बी सेंट इन गिवन टाइम विंडो नी सबमिशन आफ्टर टाइम विंडो विल नॉट बी एक्सेप्टेड जैसे आज का जो टाइम विंडो है, है जैसे ही क्वेश्चन में से वो करूंगा नीचे आपके राइट right बॉटम में एक चालू होगा हो तो वो हमारे स्टिपुलेटेड नंबर पर भेजना है और उसके बाद जैसे ही टाइम आउट होता है वी विल नॉट बी एक्सेप्टिंग एनी आंसर फ्रॉम योर साइड यस एनी गोअेड

आपका अकोमलेट हो जाता है दस 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 करते हुए आप जो लगातार कॉम्बेट खेल रहे हैं जैसे ही फिफ्टी मार्क्स होगा तो हमारी तरफ से आपको हुडी भेजा जाएगा कलेक्टिंग हंड्रेड पॉइंट कैंडिडेट विल गेट अ गिफ्ट हम्पर फ्रॉम गेट अकेडमी तो अभी तक ये एक सिचुएशन नहीं आया था लेकिन आज जैसा देख पा रहे हैं स्लाइड में मिस्टर मिश्रा ने हंड्रेड पॉइंट्स अटेन कर लिया है सो डेफिनेटली वी है अ गुड हैम्पर फ्रॉम हिम यस नेक्स्ट एनीवेज ध्यान देंगे तो समय आ गया है कॉम्बेट के क्वेश्चन को डिस्प्ले करने का क्लियर रखना क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है आपके इंडक्टन से पहली चीज पांच मिनट का मैंने फ्रेम ऑफ टाइम दिया है दूसरी चीज प्रॉब्लम जो है वो एमएस्यू है तो किसी को भी हड़बड़ी से सोल्व नहीं करना है क्योंकि पांच मिनट में अच्छे से प्रॉब्लम को सोल्व कर लोगे चलिए तो विदाउट गेटिंग डिलेड हियर योर क्वेश्चन जस्ट अ मिनट हियर गोज योर क्वेश्चन एंड हियर टाइमर स्टार्ट फॉर द दाइव मिनट क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं अ लॉन्ग सोलिनॉइड ऑफ लेंथ थाउजेंड एम एम

If तो इसके अंदर जो बी फील्ड है वो यूनिफॉर्मली पे बैठा हुआ है सोलिनॉइड इज थर्टीन सेवन मिली हैनरी जो आपने ऊपर में सोलिनोइडल स्ट्रक्चर बनाया है इफ करेंट स्टार्ट इंक्रीजिंग थ्रू द इंडक्टर विद ऑफ टू एमपीस पर सेकेंड then magnitude of the induced voltage developed across the inductor is 63.95 millivolt bahut tagda question hai maine soch ke is pure ke pure sentence ko form kiya hai bada maza aayega isse conclude karne mein next 1.597 joule is the energy stored in the magnetic field current in in, in, in solenoid if current carries by the inductor is 10 amps 10 amps chaliye फटाफट इस प्रॉब्लम को रीड करिए और जो बेस्ट मोस्ट आंसर हो सकता है उसको प्रॉपर रीजनिंग के साथ बाकायदा इंसर्ट्स के हेडलाइट करते हैं हाईलाइट करते हुए आप इस स्टूपुलेटेड नंबर पे व्हाट्सएप करिए चलिए 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 फटाफट -फड़ करेंगे खाली फोकस करो अभी प्रॉब्लम पे है। लगभग दो मिनट का टाइम बचा हुआ है ध्यान देंगे <coughs> लगभग डेढ़ मिनट लगभग एक मिनट से कम लगभग खत्म होने वाला है आपका टाइम थोड़ा ध्यान देखे तो सबमिशन फास्ट कर दें चलिए टाइम इज ओवर सो so, मैं बंद करता हूं आपका क्वेश्चन हियर द क्वेश्चन गोज ऑफ एंड हियर द टाइमर गोज ऑफ टाइमर गोज ऑफ चलिए मैं एक बार अब देख लू कि क्वेश्चन है क्या यस yes. देखिए क्वेश्चन आप लोगों का डिस्प्लेड है यहां पर क्वेश्चन यहां पर डिस्प्लेड है आप लोग बताएंगे आंसर क्या क्या है बता पाओगे आंसर क्या क्या है यार आज मैं टेक्निक थोड़ा सा तरीका चेंज कर रहा हूं अपने पढ़ाने का क्या कर रहा हूं मैं बता रहा हूं मैं दो अलग अलग स्लॉट में एक कॉम्बेट कर लूंगा एक स्लॉट जो होगा जहां आप जिस रफ्तार से किसी प्रॉब्लम को डील करोगे कहां गेट में दूसरा मैं पूरे के पूरे एक एक दोनों करेंगे। तो पहले मैं कि ये को डील कैसे करना था आपको गेट में वो लगभग दो मिनट में हो जाएगा और उसके बाद मैं एक एक पॉइंट को प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा यस तो दो अलग अलग सेगमेंट में इस पूरे के पूरे कहानी को मैं डील करने की कोशिश कर रहा हूं देखो क्या चलो मैं यहां सॉल्यूशन के बारे में बात करता हूं सॉल्यूशन ठीक है सोल्यूशन में जो भी डेटा दिया हुआ है उसको एज इट इज वही रहने दे रहा हूं मैं अलग से नहीं लिख रहा हूं कि सोलिनॉइड क्या है सोलिनॉइड क्या है सब चीज ठीक है सबसे पहला पूछा गया है आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला टेस्ला किसको रिफर किया जाता है ध्यान देना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विद इन दॉलिड बी इज इन रिटर्न एस म्यू नॉट

कहीं एल को भी ऐसा यूनिट में रखना है और मैंने जान बुझ के इसको एक हजार मिलीमीटर रखा हुआ है क्यों क्योंकि एक हजार और मिलीमीटर mm को जब ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे मीटर में तो टेन टू दावर ऑफ माइनस थ्री से मल्टीप्लीकेशन होगा और ये फैक्टर हमेशा के लिए सदा के लिए वन हो जाएगा यस yes? इन टू आपने करंट क्लियरली लिखा हुआ है कि 10 एम्पियर का डीसी करंट आपने के अप्लाई किया है यस सो हियर गोस फोर पाई सावधानी से कैलकुलेशन करेंगे टेन टू पावर ऑफ माइनस सेवन बड़ा दो मिनट के अंदर पूरा 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 प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है इन टू थ्री थाउजेंड इन टू ऑफ टेन इंटू ऑफ टेन यहां आंसर आ रहा है जीरो पॉइंट ऑफ जीरो थ्री सेवन टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर। सो आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है नो बड़ी सच है yes? दूसरा इफेक्टिव इंडेक्स इंडक्टेंस ऑफर्ड बाई दोलिनॉइड दर इंडक्टेंस व्हिच इज एल ऑफर्ड द सोलेनोइड ये कहां से आ रहा है बताऊंगा बट द फार्मूला यूज्ड टू बी म्यू नॉट एन डिवाइडेड एल

और आपको एरिया देखना है एरिया किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द दॉलिडोइड तो भैया आपका जो सोलिनॉइड आप देख सकते हैं यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि जो ट्यूब पे लिपटा हुआ है वो ट्यूब का डायमीटर 60 सिक्सटी mm है तो इसका सीधा सा मतलब है जो ट्यूब जिसके ऊपर ये सोलिनॉइड लिपटा हुआ है वो कहीं ना कहीं सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है तो यहाँ जो एरिया आएगा वो एरिया ऑफ सर्किल आएगा डायमीटर दिया हुआ है तो आप इसको रेडियस में चेंज करेंगे सिक्सटी एम एम होगा थर्टी एम एम ये होगा थर्टी इंटू टेन टू द पावर ऑफ माइनस थ्री और यहां होगा इसका स्क्वायर

और ये होगा थ्री इंटू टेन टू दावर ऑफ सिक्स और यहां होगा नाइन हंड्रेड इंटू टेन टू दावर ऑफ माइनस सिक्स इंटू ऑफ पाई इंटू ऑफ इन सब को जब आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इंडक्टेंस की ऐसा यूनिट निकलेगी और वो निकल के आ रही है थर्टी वन पॉइंट ऑफ नाइन सेवनरी मिली हेनरी सॉरी मिली हेनरी सो so जो आपने सोलनाइट फैब्रिकेट किया था उसने कितना इंडक्टेंस आपको ऑफर करना है प्रिसाइसली थर्टी वन पॉइंट ऑफ नाइन सेवन मिली हेनरी आ रही बात समझ में नेक्स्ट नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो ये पहला ऑप्शन सही था दूसरा ऑप्शन भी सही हो गया तीसरा इफ करेंट स्टार्ट इंक्रीजिंग थ्रू द इंडक्टर विद टू एमपीएस देना वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस दर वी एल होता क्या है एल डी आई बाई डी टी यस एल डी आई ऑफ डी टी आपको प्रॉब्लम क्लियरली दिया हुआ है कि रेट ऑफ चेंज इन

मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं, तो मेरे लिए नहीं है एनर्जी स्टोर्ड विद इन द इंडक्टर एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी कर रहा हूं जूल्स e में होगा ये होगा हाफ टाइम्स ऑफ एल इन टू इंस्टेंटेनियस करेंट विच इज फ्लोइंग अक्रॉस द इंडक्टर हाफ टाइम्स ऑफ एल आई स्कोर ठीक हाफ कितना जीरो पॉइंट ऑफ फाइव एल आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है क्योंकि सेम इंडक्टर को ही मैंने यूज करना है विच इज सिक्सटी थ्री पॉइंट ऑफ नाइन फाइव मिलीज में है कंफ्यूज ना होना इन टू आई में है ये होगा टेन स्क्र टेन स्क्र ये भी निकाल लू मैं कितना आ रहा है जीरो पॉइंट फाइव इंटू सिक्स इंटू हंड्रेड हंड्रेड और इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं मिलीज से इंटू टेन टू द पावर ऑफ माइनस थ्री माइनस थ्री ये देखो ये आंसर आ रहा है लगभग लगभग थ्री पॉइंट देखो कितना आ रहा है वैल्यू All, 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 all. तो ये value आ रही है कितना था? L आप लोगों ने निकाला था कितना गया भैया आपका L? थोड़ा सा ध्यान देना थर्टी सेवन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है थर्टी पॉइंट ऑफ नाइन सेवन So, अगर मैं देखता हूं तो सब के सब ऑप्शन सही हैं सब के सब ऑप्शन सही हैं चलो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कितने लोगों का सही आंसर आया सबका सब चारों का चारों ऑप्शन क्योंकि गेट में अगर आप अलग अलग ईयर्स में स्टडी करेंगे ना तो अलग अलग ईयर्स में एक एक प्रॉब्लम को वो एक एक एमसीक्यू बना के पूछा हुआ है पूरे के पूरे चारों प्रॉब्लम एमएसक्यू के फॉर्म में कभी नहीं आने जा रहे क्यों क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है वो पांच से छह मिनट का लॉजिकली होगा अगर आप गेट में जाएंगे कई सब्जेक्ट एक साथ डील करते होंगे तो आगे वाला जो भी पेपर डिजाइनर होगा वो इस टाइप के प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं देने हमारी बात समझ में चलो फटाफट फड़ बताओगे कितने लोगों का सही हुआ जिनका भी हाँ सही हुआ एक बार थम्स अप करके दे देना उसके बाद मैं कोर डिटेलिंग ऑफ दी इंडक्टर्स के साथ डील करने की कोशिश करूंगा इंडक्टर्स डील करूंगा आप लोगों तो को मजा आएगा इंडक्टर है क्या थोड़ा समझने के लिए चलो फटाफट फड़ बताएंगे मेरे को कितने लोगों का ये सही हुआ एक बार थम्स अप दे दो चलिए आगे चलते हैं अब लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो मैं यही बोल रहा हूं कि मेरा कॉम्बेट का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा वो केवल केवल प्रॉब्लम कराना नहीं होगा उस प्रॉब्लम से बहुत कुछ सीखना होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट yes. चलो 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 अब थोड़ा सा इसमें एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना आपके पास जो सोलिनॉइड है ना वो किस पे लिपिटा हुआ है ध्यान देना वो लिपिटा हुआ है एक सर्कुलर सेक्शन एरिया पे कुछ ऐसा इसको क्या बोला जाता है सोलिडॉइड अगर कल के दिन way, ये रिंग होता और उसके ऊपर ये जो होगा, उसका हमेशा और हमेशा होगा तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखते चलेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सोलिडॉइड बनाओगे कैसे देखो सॉलिडॉइड बनाओगे कैसे आप सबसे पहले एक सर्कुलर सिलेंडर यस एक सर्कुलर सिलेंडर लोगे आपको शायद सामने से रेक्टेंगल दिख रहा होगा लेकिन बगल से देखेंगे तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो सर्कुलर है यस द फर्स्ट थिंग उसके बाद अब इसके ऊपर आप टर्न करना चालू करेंगे क्या करना चालू करेंगे टर्न करना चालू करेंगे जैसे कि कुछ ऐसा स्टार्ट करता हूं कुछ टर्न करना चालू करेंगे आगे बात समझ में अब यहां मैंने कुछ डेटाज लिए हुए थे जैसे मैंने लेंथ लिया था क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया था आर लिया था नंबर ऑफ टर्मस लिया था ये समझते हैं है क्या देखो मैंने जैसे ये बताया कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वो सर्कुलर होगा कुछ ऐसा होगा लेफ्ट और राइट right में तो जो आर होता है ना ये इसका क्रॉस सेक्शनल रेडियस होता है आर जो होता है वो क्रॉस सेक्शनल रेडियस होता है ध्यान देना जिसको मैंने रिफर किया देखो जिसको मैंने रिफर किया है यहां पर पाई आर से ये आर का जो स्क्वायर किया था ना मैंने ये ठीक है तो आप इसको लिखेंगे आर तो ये जो ये है आर आगे बात समझ में सिमिलरली मैं बात करता हूं लेंथ ऑफ तो जहां से आपके गुथाना चालू हुए थे कंडक्टर तो जहां तक गुथे हुए हैं और जिसके बाद आपने इसको टैप करके बाहर किया है ये होने जा रहा है आपका जस्ट मिनट लेंथ ऑफ दंडक्टर लेंथ ऑफ दॉलिडॉइड जिसको मैंने रिफर किया है ध्यान देना लेंथ ऑफ़ द को किया है मैंने, स्मॉल एन से सब चीज लिखूंगा कंडक्टर का उसको बोलूंगा रिफर करने जा रहा हूं n से, समझना? तो यहां क्या क्या डेटा लिया हुआ है कैपिटल एन नंबर ऑफ नंबर ऑफ थिंग एल लेंथ ऑफ दॉइड Length of the solenoid. Length of the solenoid. Yes. Similarly, R. Radius of cross section. Radius of cross section. Cross section. और कई जगह मैं कैपिटल एन यूज ना करके स्मॉल एन यूज करूंगा इवन कई बुक्स में और आप भी याद होंगे। तो वहाँ N का एक आता है और बाई वे इसका अगर अगर एक मीटर है तो कितना होगा तीन हजार टर्न पर यूनिट मीटर तो इसका मतलब ये होगा कैपिटल एन डिवाइडेड बाई एल तो ये होगा नंबर ऑफ टर्स नंबर ऑफ टर्न यूनिट लेंथ

लेंथ ऑफ अगर R से हो गया जैसे कि मैं ये बोलूं मैं छोटा करता जा रहा हूं इसको छोटा करता जा रहा हूं लेंथ को और L और R अगर हो गया तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटीज होंगे ना वो यूनिफॉर्म नहीं होंगे जैसे कि मैं कैपेसिटर में डील करता था ऑल मैंने ये माना था कि ऊपर में एक प्लेट रखा हुआ है नीचे में एक प्लेट रखा हुआ है और उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने कौन सा यूज कर लिया था इंफोनाइट प्लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी उसलिए वहां पर फ्रिंगिंग इफेक्ट का concept आया था। उस concept को मैंने बाहर करने के लिए ये माना था कि आपका क्रॉस एरिया है वो बहुत ज़्यादा है इनके बीच की spacing से तो मैंने ये माना था कि effect को मैं नल्डिफाई कर सकता हूं आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं तो थोड़ा सा इस चीज को आप ध्यान रखने की कोशिश करना आपको अगर प्रॉब्लम दिया है या नहीं दिया हुआ है आपको हमेशा और हमेशा मान के चलना है कि एल जो है वो बहुत बड़ा है आर से और एल अगर बहुत बड़ा होगा आर से तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो यूनिफॉर्म होंगे सो so, बी और एच जो होंगे वो यूनिफॉर्म होंगे इनसाइड दी इन साइड दी सोलिनॉइड बोल लो या इंडक्टर बोल लो यस तो आप लोग एक चीज ध्यान देना प्रॉब्लम में जनरली ये वर्ड यूज किया हुआ होता है और नहीं भी यूज किया हुआ होता होगा होगा तो ये आपका बेसिक होगा यस अब एक चीज ध्यान देना अगर बाई द वे बी और एच फील्ड अगर यूनिफॉर्म रहा विद इन दी सोलिनोइड तो मैंने एक चीज देखा है फ्लक्स डेंसिटी का मतलब होता है क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इसका मतलब क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पूरे के पूरे सोलड के अंदर यूनिफॉर्म होगा कहीं भी ना तो डेंस होने की कोशिश करेगा ना कहीं रेयर होने की कोशिश करेगा तो ओवरऑल मैं ये बोल सकता हूं, इसको अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ओवरऑल मैं ये बोल सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगे ना वो पैरेलल होंगे कब मैं फिर बोल रहा हूं जब एल की वैल्यू बहुत बड़ी है आर से और आप ये देख सकते हैं कि जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यूनिफॉर्म हो या फिर क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना तो डेंस हो ना रेयर हो उसका मतलब वहां जो होगा वो कांस्टेंट होगा इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर दूं मैं जस्ट अ

प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत तो चेंज देखने को मिलेगा देख सकते हो आप थोड़ा थोड़ा आगे जाओगे ना तो ये फील्ड डाइवर्ज हो रहे हैं देखो तो यहाँ बी फील्ड कम मिलेगा थोड़ा आगे जाओगे तो बी फील्ड कम मिलेगा बट यस ठीक है थ्योरेटिकली मैं बोल रहा हूँ कि अगर लेंथ बहुत ज्यादा है आर से तो बी फील्ड जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा ये होता है मैंने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया ये होता है म्यू नॉट इन टू क्या बताया मैंने एक चीज ध्यान देना कैपिटल एन डिवाइडेड बाई यल इन टू ऑफ द करेंट विच इज फ्लोइंग अक्रॉस द कंडक्टर अब ऐसा क्यों होगा देखो सब चीज थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग के साथ ही समझना बाई द वे आपने इसके अक्रॉस एक करंट सोर्स लगा दिया एक करेंट सोर्स लगा दिया करंट कैसा फ्लो हो रहा है ध्यान देना करंट ध्यान देना करंट कुछ ऐसा फ्लो हो रहा है यस yes. करंट कुछ ऐसा फ्लो हो रहा है करंट अगर ऐसा फ्लो हो रहा है तो यार सीधी सी बात है करंट अगर ऐसा फ्लो हो रहा है तो इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो हमेशा और हमेशा राइट हैंड थंब रूल से बनता है राइट हैंड थंब रूल से बनता है थम रूल जहां मेरे राइट right हैंड की फोर फिंगर्स की जो करलिंग होगी ना वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ करेंट और सिमिलरली जो थम है वो बताएगा बी फील्ड का डायरेक्शन बी फील्ड बोल लो या एच फील्ड का डायरेक्शन यस बी फील्ड बोल लो या एच फील्ड का डायरेक्शन टिल दिस पॉइंट नो बड़ी सुव एनी डाउट एज सच तो आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा टेक्निकल डिटेल्स ध्यान रखो इंडिविजुअल वर्डिंग ध्यान रखो और थोड़ा सा कहानी भी ध्यान रखो तो आप करंट बाय द वे करंट अगर ऐसा फ्लो हो रहा है देखो करंट अगर ऐसा फ्लो हो रहा है बाहर की तरफ आ रहा है तो बी फील्ड कहां की तरफ होगा इस तरफ होगा इस तरफ होगा और करंट अगर बाई फ्लो होता है देखो अगर घूम घूम के अगर ऐसा जाता अगर करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होता है ये देखो अगर ऐसा होता यहाँ देखो है देखो ना क्लियर रखो ये करंट का डायरेक्शन कैसे है ऐसा ही है यस तो यहां अगर मैं अपना थम रखता हूं तो बी फील्ड का डायरेक्शन जो है वो कहा है राइट की तरफ है तो बी फील्ड का डायरेक्शन जो है वो राइट की तरफ है तो इधर बनेगा एन और इधर बनेगा एस इधर बनेगा एस तो कल के दिन अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं तो इधर एन बनेगा और इधर एस बनेगा टॉइट नो डाउट सच और आपसे मैंने पूछा था बी की वैल्यू कितनी होगी तो B की फार्मूला सबको अब मैं आता में। अब इस सोलिड से आप इंडक्टेंस का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे इंडक्टेंस का फॉर्मूला इंडक्टेंस का फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यार सबसे पहली बात तो एक चीज ध्यान देना सोचने की बात है द इंडक्टर्स आर मेड ऑफ द कंडक्टिंग क्वाइल तो अगर इंडक्टर्स आर मेड ऑफ कंडक्टर्स हैं तो कायदे से इंडक्टर के दो टर्मिनल्स के अक्रॉस कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस आना ही नहीं चाहिए जबकि मैं लिखता हूं वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर वी इज इक्वल टू ऑफ एल डी आई एल बाई बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये जो क्वाइल्स हैं परफेक्ट कंडक्टर के बने हुए हैं तो इनके एक एक लूप में कोई रेजिस्टेंस होगा नहीं और हर एक लूप सीरीज में कनेक्टेड है तो इन दो टर्मिनल्स के बीच में कोई सीरीज रेजिस्टेंस होगा नहीं तो कल के दिन अगर आप टाइम वेरिंग मेंंट इसके अक्रॉस लगाते हैं तो इन दो टर्मिनल के अक्रॉस आपको वोल्टेज देखने को मिलता कैसे है यह ध्यान देना पूरा का पूरा इंडक्टेंस का फॉर्मुला जो डिराइव होगा वो होगा फेराडिस लॉ से थोड़ा सा ध्यान दो लॉ से चलिए थोड़ा सा रिकॉल करें फराड लॉ क्या था क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल का यूनिट अगर देखते हैं तो वोल्ट पर मीटर है मीटर से मल्टीप्लाई हो रहा है इसका मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किसी एक कंटूर में भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंड्यूस हो सकता है तो ये है वी लेकिन ये तब होगा जब वो क्लोज कंटूर जो है ना वो इंटरेक्ट कर रहा है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से विच इज नथिंग बट माइनस टाइम्स ऑफ डो बाई डोर टी आप बाहर लिख सकते हो बी डॉट बी एस और ये ओपन सर्फिस इंटीग्रल है आ रही है तक तो बात सबको समझ में आ रही होगी ओपन सरफेस इंटीग्रल है अब ये बताना मेरे को कल के दिन जो इंडिविजुअल होंगे इंडिविजुअल इंडिविजुअल्स होंगे यार मैं थोड़ा सा दिखा पा रहा हूं कि नहीं इंडिविजुअल जो होंगे इसमें बी फील्ड का जो इंटरेक्शन होगा कैसा होगा थोड़ा सा मैं एक क्वाइल को बाहर ले आता हूं एक क्वाइल मैंने बाहर लिया इस क्वाइल के ऊपर नॉर्मल जो है वो किस डायरेक्शन पे होगा इस डायरेक्शन पे होगा और इवन बी फील्ड भी जो है वो इसी डायरेक्शन पे है देखो इसके पैरेलल है इसके पैरेलल है तो अब मजेदार चीज ये है कि जितने भी क्वाइल्स जो थे नियरली स्पेस्ड क्वाइल थे बी जो है उससे सीधे सीधे नॉर्मली इंटरेक्ट कर रहा है बी डॉट डी एस होता क्या है मॉड ऑफ बी

आया क्या यहां पर बी डॉट डी एस बी कितना निकाला था आपने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था ये निकाला था आपने म्यू नॉट कैपिटल एन डिवाइडेड बाय ऑफ एल इन टू एस नो नो नॉट म्यू नॉट कैपिटल एन डिवाइडेड बाय ऑफ एल इंटू आई इंटू आई यस इंटू आई और यहां एक्स्ट्रा फैक्टर आपके पास आ गए हैं देखो एक्स्ट्रा फैक्टर क्या क्या आ गए हैं यहां एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया है कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स और साथ में आ गया है क्रॉस सेक्शनल एरिया

तो ये फैक्टर एक कांस्टेंट फैक्टर है कांस्टेंट फैक्टर है, है तो इसको कल के दिन आप बाहर निकाल लो और इस कांस्टेंट फैक्टर को मैं बोलता हूं L. क्या बोलता हूं तो कामुला जो मैंने यूज किया था वो यूज किया था म्यू नॉट एन आई एन यही बोलूंगा सोलिनॉइड में इंडक्टेंस का फॉर्मूला सब बाय कर तो लो ये होगा म्यू नॉट एन स्क्र डिवाइडेड एल L ए ये फार्मूला मैंने पहले यूज़ किया, किया हुआ है देखो yes. ये फार्मूला मैंने पहले यूज़ किया हुआ है यस ये यस और ये वैल्यू कितनी निकली थी थर्टी वन पॉइंट ऑफ नाइन सिक्स मिली हैनरी यस टिल दिस पॉइंट ईच एंड एवरीथिंग थिंग मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ अस अब थोड़ा सा इंडक्टर को एक स्टेप और आगे जाके समझता हूँ मैं इंडक्टर का मतलब हुआ क्या देखो इंडक्टर का मतलब हुआ क्या समझना क्या बोल रहा हूं मैं अगर यहां से कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है तो आप सब बताएंगे अगर यहां से कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है तो इसके दो टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा या नहीं यस या नो करके आप लोग लाइव चैट में कमेंट करना अगर मैंने यहां दस एम्पियर का एक करेंट सोर्स लगा दिया तो इस इंडक्टर के स्टार्टिंग और एंडिंग टर्मिनल ही है सोलिनोडल टाइप ऑफ इंडक्टर है तो इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज इंड्यूज होगा या नहीं नहीं होगा क्यों नहीं होगा आप देख सकते हैं इस फॉर्मुला से नहीं होगा क्यों क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम जीरो है कोई वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा लेकिन अगर आप फील्ड थ्योरी के टर्म्स में देखें क्यों इंड्यूस नहीं होगा समझना क्योंकि यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है ना ध्यान देना यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है वो टाइम इनवेरिंग है टाइम इनवेरिंग है तो यहां जो बी फील्ड होगा इसके अंदर देखो 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 बी फील्ड किससे कनेक्टेड है आई से कनेक्टेड है तो जो बी फील्ड होगा वो भी टाइम इनवेरिंग होगा अगर बी फील्ड टाइम इनवेरिंग होगा तो यहां देख रहे देख रहे होंगे रेट ऑफ चेंज इन बी जीरो होगा रेट ऑफ चेंज इन बी जीरो होगा तो किसी एक लूप में इंड्यूस्ड वोल्टेज जीरो होगा और अगर किसी एक लूप में इंड्यूस्ड वोल्टेज जीरो होगा ऐसे ऐसे n लूप है सब के अक्रॉस वोल्टेज जीरो है तो नेट नेट ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्मिनल ऑफ दिस सोलेनोइड और दी इंडक्टर क्या होने जा रहा है जीरो

इस क्वाइल में खुद के करंट फ्लो होने के कारण आया है इस खुद के करंट ने बी फील्ड प्रोड्यूस किया और उस बी फील्ड अगर टाइम वेरिंग रहा तो इसने वोल्टेज इंड्यूस किया तो यहां जो एल का कंसेप्ट आया है वो सेल्फ इंडक्टेंस का केस है मान लो अगर यहां एक मैग्नेटिक सिस्टम रखा हो और यहाँ एक मैग्नेटिक सिस्टम रखा हो समझना क्या बोल रहा हूँ इसका बी फील्ड अगर इससे कनेक्ट करे समझना क्या बोल रहा हूँ फील्ड के फॉर्म में तो वो इंडक्टेंस होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस आप पढ़ते हो ना चीज म्यूचुअल इंडक्टेंस तो कल के दिन एक सिस्टम और हो सकता है और वहां का टाइम वेरिंग आई फील्ड जो है वो कल के दिन यहां वोल्टेज क्रिएट कर सकता है तो ये ध्यान देना ये जो फॉर्मूला था ये सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मुला थाउट एस सच यस यस अब एक नेक्स्ट फंडामेंटल समझने की कोशिश करता हूं बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान वी एल वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज इक्वल्स टू ऑफ एल डी आई एल बाई डी टी डी आप चाहें तो यहां एक इंडक्टर ले सकते हैं सोलिड टाइप का सोलिड टाइप का ये एल यहां से करंट द वे फ्लो हो रहा है आई ऑफ एल और यहां पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट किया गया है वो है ऑफ ऑफ yes. अब बताना मेरे को आपने ये बोला कि मेरा इंडक्टर जो है वन हेनरी का है वट इज इट मीन ऑफ इट ध्यान देंगे एल इज इक्वल टू ऑफ वी एल डिवाइडेड बाई डी आई एल बाई डी टी एल के वन हेनरी का होने का मतलब है अगर आपने जो करंट पुश किया है अक्रॉस द इंडक्टर उसमें रेट ऑफ चेंज अगर एक एम्पियर पर सेकंड का हो और वोल्टेज जनरेशन अक्रॉस इंडक्टर अगर वोल्ट का हो तब मैं बोलूंगा कि वर्थ ऑफ इंडक्टर जो है वो कितना है हेनरी का है आई रिपीट अगर एल वन है इसका मतलब हर एक एम्पियर पर सेकंड रेट ऑफ चेंज इन करंट में ये इंट्रोड्यूस या प्रोड्यूस करता है वोल्ट अगर हेनरी का है इसका मतलब सेम रेट ऑफ चेंज इन करंट में जनरेट करता है टू वोल्ट टू वोल्ट आ रही बात समझ में नो बड़ी सुड है ऐसा भी लिख सकते हो डेल ऑफ वी एल डिवाइडेड बाई ऑफ डी आई एल डिड बाई ऑफ डी टी डी आप चाहो तो इसको और भी अच्छे से लिख सकते हो आप लिख सकते हो डेल ऑफ आई एल डेल ऑफ आई एल इसका मतलब एक चीज समझ एक सेकंड में अगर आपका करंट जीरो से एक एम्पियर पहुंचा सो इंफाइटली स्मॉल स्पेन ऑफ टाइम पे आपने ये बोला कि रेट ऑफ चेंज जो है वो, वो वन एम्पियर पर सेकेंड है और उस समय अगर वोल्टेज डिफ्रेंस अक्रॉस द इंडक्टर

डी आई एल बाईप्ट से बनता एल की वैल्यू आपने निकाली हुई, और in ना, है कि है। अगर ये कितने का है दो एम्पियर का है दो एम्पियर पर सेकेंड तो ये आपस आप में मल्टीप्लाई करोगे और रिजल्ट जो आएगा वो आएगा सिक्सटी थ्री पॉइंट ऑफ नाइन फाइव मिली वोल्ट मिली वोल्ट ठीक नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट लास्ट अगर मैं ये बोलूं एनर्जी एनर्जी कंजर्व बाय द इंडक्टर तो एनर्जी कंजर्व बाय द इंडक्टर कैसे निकालोगे भैया इट्स नथिंग बट पी विच बी फंक्शन ऑफ टाइम ओवर मैं वैसे इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं आप लोग नेटवर्क में पढ़ोगे पी पी इज द इंस्टेंटेनियस मल्टीप्लीकेशन बिटवीन द वोल्टेज एज वेल एज द करेंट अक्रॉस द इंडक्टर यस तो आप इसको लिख सकते हैं ध्यान देना इसको लिख सकते हैं इट्स सिंपली गो बी वी ऑफ टी अक्रॉस द इंडक्टर i of t across the inductor here goes dt so here goes vl of t vl तो आपने अभी देखा abhi so dekha है ye hai l एल ऑफ डी of आई of ऑफ of ऑफ डी टी ये और ये कैंसिल हो गया यहां से एल बाहर गया और इंटीग्रेशन जो होगा आई एल का डी आई एल टी के फॉर्म में होगा तो यहां से कितना आया हाफ आई एल स्क्वेयर So, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ना तो आज के बाद से ध्यान देना एनर्जी लोगों से ये पूछना चाहता हूं ये जो फॉर्मुला है, कब के लिए है? जब आपका हो, तब के लिए भी आप इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला रख के आप इसका आंसर निकाल सकते हैं कि ये फॉर्मूला केवल डीसी इनपुट करंट के लिए ट्रू है ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कमेंट करके जरूर बताना टिल दिस पॉइंट हैव एनी डाउट इज सच यस yes. तो यही केस के साथ यही केस के साथ मैंने यहां फॉर्मूला यूज किया हाफ टाइम्स ऑफ एल एल की वैल्यू अपन ने पहले निकाली हुई कितनी है थर्टी वन पॉइंट ऑफ नाइन सेवन मिली इनटू आई आई कितना है दस का स्क्वायर आप इनका मल्टीप्लिकेशन करें यू विल गेट आंसर वन पॉइंट फाइव नाइन सेवन भाई एक चीज मानो कि इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम लमसम लमसम आप लोगों के गेट एक्सम में आने जा रहा है तो क्लियर होगा तो अगर क्लियर करके फटाफट अगर कमेंट कर दो दोस्ट द फेयर आइडिया कि चलो आप लोगों को लमसम पूरा का पूरा इंडक्टर का एक बेहतरीन तरीके, तरीके से आइडिया हो गया एक अकेला प्रॉब्लम इंडक्टर को लमसम तरीके से डील करके जा चुका है कौन सा इंडक्टर है ध्यान देना यह है आपका सोलिनॉइड टाइप का इंडक्टर सोलिनॉइड टाइप का इंडक्टर यस कल के दिन ये टोरोइड टाइप का भी इंडक्टर हो सकता था आप बोलो तो वो भी मैं दिखा देता हूं बट वो आप लोगों के सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है टोरोइड टाइप का भी स्ट्रक्चर हो सकता था ऐसा कुछ ये कुछ ऐसा भी हो सकता था और इसमें अब आपके वायर गुथे हुए होते कुछ ऐसा ये भी एक टाइप ऑफ इंडक्टर है आपको रेडियो वगैरह में इस टाइप का इंडक्टर भी देखने को मिलेगा ये ये, ये दो टन है और इसको बोला जाता है टोराइडल तो स्ट्रक्चर यस तो, तो चलिए आज का अपन यहीं खत्म करते हैं सेशन चारों के चारों आंसर सही थे जिनका भी चारों आंसर सही होगा डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट द फुल मार्क्स इन टू डिस चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट कॉम्बेट के साथ थैंक यू थैंक्स थैंक्सॉट